तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्टीमेट ट्रेडर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का मार्केट कैसा रहा और मार्केट कल कैसा हो सकता है, और ये भी बताऊंगा कि कल का मार्केट कैप अप हो सकता है या कैप डाउन हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर कल मार्केट गैप अप हुआ तो अपने 46,180 के लेवल को रिटेस्ट करके वापस आएगा, फिर से अपने जो मेजर सपोर्ट है 45,500 उसको रिस्पेक्ट देगा। तो सेम दोस्तों वैसे ही हुआ और वहाँ से फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करी, बट मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट 46,180 और 400 के बीच में फंसा तो उसी में घूमता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज वैसा ही हुआ, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, उस रेंज में नीचे आ गया वापस, जैसा कि मैंने कल कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बैंक निफ्टी में आज का सिनारियो। तो दोस्तों, मेजर लेवल की बात करें तो वही है जो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 45,500 मेजर सपोर्ट, 44,936 मेजर सपोर्ट एंड 44,400। ठीक है दोस्तों, और मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,500। ठीक है दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो मार्केट वैसा ही रहा, गैप अप हुआ, बट जैसा कि मैंने कहा था कि रेंज में फंसा तो उसी में घूमता रहेगा, वो रेंज में फंसा और इसी में घूमता ही रह गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके मेजर सपोर्ट की, तो 21,487, 21,282 और 21,030। ठीक है दोस्तों, और इसके जो मेजर रेजिस्टेंस है वही है जैसा कल मैंने आपको बताया था, 21,847, 21,980 और ऑल टाइम हाई 21,100। यहाँ तक तो मार्केट अभी पहुँचने से रहा। ठीक है दोस्तों, वही हम नीचे ही बात करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि FII और DII ने 4,000 की सेलिंग करी है, तो उसका असर आप इसमें देख सकते हैं कि सेलिंग करने का मतलब यह है कि ज़्यादा चांस यही होता है कि मार्केट डाउन को जाएगा। ठीक है, 4,000 करोड़ की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से नीचे गया मार्केट। ठीक है, हमेशा नहीं होता, मतलब ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, आज का मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड ही था और निफ्टी तो वॉलेटाइल थी, अपनी जगह पे फंसी हुई रेंज में फंस गई थी। अगर बात करें दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की, तो निफ्टी अभी ये इसकी क्लोजिंग थी 21,638, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी है, SGX निफ्टी जिसे बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट जो है निफ्टी का, वो अभी टैली कर रहा है 21,650, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि ये ज़्यादा डिफरेंस करता है निफ्टी से, निफ्टी के क्लोजिंग से, तो ये माना जा सकता है कि गैप अप होगा, और सिमिलरली रहा लगभग 50-60 के रेंज में तो फ्लैट, और ज़्यादा माइनस में हुआ उससे तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि कैप डाउन हो सकता है। तो अभी तो दोस्तों फ्लैट का ही दिख रहा है इसमें सिनारियो, बाकी मार्केट तो रात को 2:30 तक चलता है फ्यूचर का, तो अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और फ्लैट भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम बैंक निफ्टी के गैप अप या गैप डाउन की, तो इसका भी चांस लग रहा है कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी अभी इसी रेंज में घूमती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।